बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। ईटा फॉर यू टेस्ट की जानिब से आप सब दोस्तों को अपने चैनल में वेलकम करता हूं। प्यारे दोस्तों, मैं अपलोड करने वाला हूं पुलिस कांस्टेबल का पेपर। ये पेपर कल ही 12/12/2021 को ईटा के जरिए पेपर हो चुका है। इसकी दो पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ये उसका तीसरा पार्ट है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 15 है। ही डैश द वॉल यस्टरडे, ही बिल्ड द वॉल यस्टरडे। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। मैनी सोल्जर लॉस्ट देश लाइफ इन वार। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए हिज, यानी मैनी सोल्जर लॉस्ट हिज लाइफ इन वार। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 1973 का आईन कितनी दफात पर मुश्तमिल है। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, यानी 280 दफात पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 1988 की आम इंतिहाबात में किस पार्टी ने कामयाबी हासिल की। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, पीपल्स पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। मोमिनों को जायज नहीं कि पैगंबर की रहलत के बाद उनकी बीवियों से निकाह करें। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। जुम्मे का खुतबा किस चीज की रहनुमाई का जरिया है। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, इस्लामी तालीमात। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। लोगों में सबसे अच्छा वो है जो लोगों को नफा देता है। इसमें दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ऐसे हरूप जो दो जुमलों में इस्तेमाल होकर शक को दूर करे, मिसाल की तौर पर बल्कि, मगर, लेकिन, कवायद की रूह से क्या कहलाते हैं। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, हरूप इस्तिदराक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। दर्जा जिल जुमलों में से दुरुस्त रोजमर्रा का इंतखाब करें। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, तुम कभी झूठ मत बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। बैंकॉक किस मुल्क का दारुल हुकूमत है। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कवायद की रूह से बादशाही मस्जिद क्या है। कवायद की रूह से बादशाही मस्जिद, ये इसमें ज़र्फ़े मका है। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। दर्जा ज़िल जुमलों में से दुरुस्त जुमले का इंतखाब करें। इसमें दुरुस्त जुमला है, यानी ये रमजान का महीना है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। किस मुल्क का आइन गैर तहरीरी है। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, बरतानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। दर्जा ज़िल में से कौन सा बराएज़म गैर आबाद है। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, बराज़म इंटरटेका। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द अंडरलाइन वर्ड इज ए आर एन। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, नाउन। यहां पर हॉनेस्टी जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अगर हॉनेस्टली होता तो फिर ये एडवर्ब होता। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज इन अ सेंटेंस, ही इज स्मार्ट। इस सवाल में कहते हैं कि इस जुमले में इज यहां पर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये मेन वर्ब को रिप्रेजेंट करता है। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 1950 में पाकिस्तान और देश के दरमियान सरहद की तनाजा शुरू हुआ। इसमें दुरुस्त जवाब है हिंदुस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। दर्जा ज़िल में से कौन सी फसल पाकिस्तान की एक अहम और नकदवार फसल है। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। दुनिया में सबसे ज्यादा कोयला कौन सा मुल्क पैदा करता है। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। गेट द वॉल बिफोर इट्स रूल्स डाउन द हिल। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें करेक्ट सेंटेंस है ऑप्शन ए, यानी सिंस 2018 देयर हैव बीन नो अर्थक्वेक्स हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। पाकिस्तान की जरी काच 7% डैश की जरी सिराब किया जाता है। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, यानी नहरों की जरी सिराब किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37।
ला इलाहा इल्लल्लाह में इलाह से मुराद है माबूद। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। सूरत आजाब नाजिल हुई, सूरत आजाब मदीना में नाजिल हुई। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। सूरत मुमतहना कौन से पारे में है? ये 28वें पारे में है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। दर्जा जिल में से कलमा की तीन अकसाम कौन कौन सी है? इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, इसम फेल हर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। देश परवेज दे ऑल सीम प्रेटी कॉर्डियल। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, एक्सेप्ट फॉर, यानी एक्सेप्ट फॉर परवेज दे ऑल सीम प्रेटी कॉर्डियल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। एन टेम्परमेंट ही टेक्स आफ्टर हिज फादर। टेक्स आफ्टर, यहाँ पर पूछा गया है कि टेक्स आफ्टर का क्या मतलब है? यहाँ पर इसका मतलब है रिजेम्बल। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। सवाल में कहते हैं कि इस वर्ड का अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा है? इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, कन्फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। ताशकंद मुआहिदा किस मुल्क में तय पाया? इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, साबिक स्वीत यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। अक्वामी मुताहिदा का सबसे बड़ा इदारा कौन सा है? इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, जनरल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। इस्लाम की अरकान हमसा में से अहम और आखिरी रुकन है हज। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। किसी औरत को रुखसती से पहले तलाक दे दो तो उसकी आदत डैश होती है, यानी ऑप्शन ए 4 माह 10 दिन है, ऑप्शन बी 1 माह 10 दिन, ऑप्शन सी 3 माह है, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। अहली जमीन की मखसूस बोल चाल जिसमें अल्फाज हकीकी मानों में इस्तेमाल हो ग्रामर की जुबान में क्या कहलाता है? इसमें दुरुस्त जवाब है रोजमर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। फायजा ने किताब खरीदी, इस जुमले में फेल कौन सा लफ्ज है? इसमें फेल है खरीदी, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। दुनिया में सबसे छोटा मुल्क कौन सा है? इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। कुरानी मजीद में सबसे ज्यादा जिक्र किस नबी का आया है? इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, हजरत मूसा अलैहि सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। द कोच डिफर्स विद द कैप्टन रेदर लाउडली डैश हु विल ओपन द इनिंग्स। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। दुनिया में सबसे कदीम आइन किस मुल्क का है? इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। ही डैश लिफ्ट फॉर लंदन। इसमें दुरुस्त जवाब है ही विल हैव लिफ्ट फॉर लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। द ऑफिशियल्स हैव अरेस्टेड द ओनली एक्यूज्ड, चूज द करेक्ट वॉइस। इसका करेक्ट वॉइस है ऑप्शन डी, द ओनली एक्यूज्ड हैज बीन अरेस्टेड बाय द ऑफिशियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। चूज द वर्ड नियरेस्ट एंड मीनिंग टू रेसिप्रोकेट। सवाल में कहते हैं कि इस वर्ड का नियरेस्ट मीनिंग वाला वर्ड नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस OIC हर 1.5 साल बाद होती है, ये 3 साल बाद होती है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। तकसीम हिंद के वक्त हिंदुस्तान में 921 बड़े कारखाने थे, जिनमें से पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 34 कारखाने आए हैं। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। शुक्र की कितने तरीके है? इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं दूसरी पार्ट में हल कर चुका हूं, लेकिन बस जुमले उसमें नहीं थे वो यहां पर मौजूद है। हु आर यू टू आस्क दिस, ये जुमला हम इस तरह भी लिख सकते हैं, तुम होते कौन हो ये पूछने वाले, या इस तरह भी लिखा जा सकता है, ये पूछने वाले तुम कौन होते हो। सेंटेंस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 आवर्स। इसका दुरुस्त उर्दू ट्रांसलेशन ये है, वो 3 घंटे तक आपका इंतजार कर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ट्रांसलेशन एंड टू इंग्लिश। इसमें क्वेश्चन नंबर 8। वो मेहनत से जी चुराता है, ही स्टील्स हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, दे मेक फन ऑफ मी। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।